ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में ईव इंडिया 2021 इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। ये एग्जीबिशन 3 दिन तक चलेगा जिसमें देश की तमाम बड़ी कंपनियों ने भाग लिया है। इस एग्जीबिशन में हमारे देश की 120 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। अगले 3 दिनों में इलेक्ट्रिक जगत से जुड़े नए नए इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च होंगी। इस मेले को भारत के भविष्य का भी मेला कहा जा रहा है क्योंकि आने वाला समय इलेक्ट्रिक वाहनों का ही होना। तो 3 दिवसीय एग्जीबिशन यहां पर रखा गया है। इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल कंपनियों ने हिस्सा लिया है। तमाम बड़ी कंपनियां यहां पर पहुंची हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज प्रतापगढ़ आगमन होगा। प्रयागराज अयोध्या से रायबरेली जौनपुर हाईवे से जुड़ने वाले बाईपास का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सुखपाल नगर में करेंगे। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। तो प्रतापगढ़ में नितिन गडकरी का दौरा जिले को 166 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। देखिए बहुप्रतीक्षित कई वर्षों से प्रतापगढ़ बाईपास का कल शिलान्यास है और माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आ रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी आ रहे हैं और ये प्रतापगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे जो हमारे प्रतापगढ़ में आए दिन जाम की समस्याएं होती थी अब इससे मुक्त हो जाएंगी और प्रतापगढ़ का एक विस्तार होगा। प्रतापगढ़ में विकास का केंद्र बढ़ेगा इससे। देखिए कल माननीय भारत सरकार नितिन गडकरी जी का और डिप्टी सीएम साहब का प्रोग्राम प्रतापगढ़ जनपद में प्रस्तावित है। उसमें प्रतापगढ़ बाईपास जिसकी लागत 308 करोड़ है वो मंत्रालय द्वारा नॉर्थ द्वारा पीडब्ल्यूडी की एनएच डिवीजन द्वारा उसका निर्माण कराया जाना है जिसकी कुल लंबाई 14 किलोमीटर है और इसके साथ ही जो NH 96 है सुल्तानपुर से जो हमारा प्रतापगढ़ है उसका चौड़ीकरण जो हुआ है उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। ये कल दोपहर 2:30 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति रानी की नायक फिल्म जैसे अंदाज को देखकर कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त तालियां बज उठी। दरअसल स्मृति रायबरेली में 3 कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आई थी। अंतिम कार्यक्रम सलोन विधानसभा में आयोजित था जहां 4 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करना था और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटना था। इससे पहले मंच पर जनता शिकायतों का पुलिंदा लेकर उनके पास पहुंची स्मृति रानी ने सभी के कागज लिए और मंच पर संबोधन करने पहुंच गई। मंच पर उन्होंने जनता से उनका दुख दर्द साझा करने के बाद मिली हुई शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि अब आपकी समस्या का समाधान यही होगा। इतना कहते हुए उन्होंने कहा कि डीएम साहब जिले के सभी विभागाध्यक्षों के साथ कैंप लगाकर इनकी समस्याएं सुलझाएं। विधानसभा चुनाव 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी के तहत बीजेपी की ओर से नगर विधानसभा के उत्सव रामलीला ग्राउंड में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के जरिए बीजेपी युवाओं में चुनाव को लेकर जोश भरने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में युवाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रामपुर की तस्वीरें, युवा सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देखिए रोजगार का तो मैंने अभी आपको बताया, अखिलेश जी की सरकार के समय पर कोई भूला नहीं है, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जो विवादित नहीं थी। उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से दुकानें खोलकर रखी थी, लोगों के कहीं पर ठेके छूट जाते थे और उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते थे और वो लिस्ट जारी हो जाती थी ऊपर से अधिकारियों को कि इन लोगों को भर्ती देनी है। आप लोगों को ध्यान होगा, भूले नहीं होंगे कि जब PCS की भर्ती हुई तो 86 में से 54 एक ही क्षेत्र के लोग थे, एक ही वर्ग के लोग थे। ये कैसे हो गया? तो योग्यता को दरकिनार करते हुए भ्रष्टाचार के साथ वो भर्ती करते थे। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है और 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, प्राइवेट नौकरी और जो उनको एक सेल्फ आदि देकर उनको रोजगार देने का काम किया उसकी तो मैं गिनती। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद गरमाई सियासत पर विराम लगा 2022 चुनाव क्योंकि दिल्ली से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र रावत रुड़की के खानपुर विधानसभा पहुंचे और खास बातचीत कर कहा कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत ही रहेंगे। वहीं वो भी खानपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। 2022 चुनाव
नज़दीक है। हमारे साथ वीरेंद्र रावत जी हैं जो लंबे समय से खानपुर विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वीरेंद्र रावत हरीश रावत के बड़े सपुत्र हैं। वीरेंद्र जी, रावत जी को आज चुनाव की पूरी कमान दे दी गई है, उनको सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया है, आपको सबसे पहले उसकी बधाई। कैसे देख रहे हैं 2022 चुनाव को? आज पूरे उत्तराखंड की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं, सोनिया जी को, प्रियंका गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं, सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मन की इच्छा आज पूरी हुई है और 2022 में निश्चित तौर पर जनता की जो इच्छा है वो पूरी होगी। उत्तराखंड की पूरी जनमानस की ये इच्छा थी कि हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। दो दिन से जब से उन्होंने ट्वीट किया था, जब से उत्तराखंड की जो जितने भी हरीश रावत जी के समर्थक हैं वो पूरा विरोध कर रहे थे कि हरीश रावत को अब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, इसलिए दिल्ली से फरमान आया और सभी कांग्रेस नेताओं को तलब किए गए और आज जो है उनको चेहरा बनाया गया। अब हरीश रावत के सामने कैसी चुनौतियां मान रहे हैं आप? आधी चुनौती तो वैसे ही खत्म हो गई जब उनको चेहरा बना दिया गया है और बाकी आधी, क्योंकि हरीश रावत जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हें पहाड़ से लेकर प्लेन तक का सारा भूगोल भी पता है, उत्तराखंड का इतिहास भी पता है और किस तरीके से उत्तराखंड को नंबर वन राज्य बनाया जा सकता है वो उनको सारा गणित और सारा अंक गणित बीज गणित सब पता है। हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये तो सपना देख रहे हैं कि नंबर वन बनाएंगे, लेकिन 2022 में वो कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, तो हरीश रावत जी का जो 3 बरस का कार्यकाल रहा 2014 से लेकर 2017 तक और उन्होंने जो जो योजनाएं जो जनता के हितों में जो योजनाएं चलाई उसका जनता को पूर्ण लाभ उस समय मिला, लेकिन 2017 में शायद कहीं ना कहीं संगठन की थोड़ी कमी या हमारी कमी मान लीजिए कि हम उस बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन आज हम जब 2022 के समर में कूद रहे हैं तो हरीश रावत जी के वही 3 वर्षों की उपलब्धियों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आज जनता में बहुत कांग्रेस को लेके बहुत उत्साह है, हरीश रावत जी को लेके बहुत उत्साह है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र रावत जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरीश रावत की इस बार सरकार बनेगी और यदि मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं जनता की सेवा करूंगा, यदि टिकट नहीं मिलता तो कांग्रेस के लिए काम करूंगा। मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए हरिद्वार से। रुद्रप्रयाग में मांगल और खुदेड़ गीतों के संरक्षण को लेकर केदारनाथ विधायक मनोज रावत की पहल पर पहली बार केदार घाटी में प्रतिभाओं का आयोजन किया गया। भगवान केदार के शीतकालीन गद्य स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में 3 दिवसीय महिला मांगल गीत और खुदेड़ गीत प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन मनसूना उखीमठ भजन दुर्गाधार में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में आज नगरी गुप्तकाशी जगौठ चंद्रापुरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तो केदारनाथ विधायक की सराहनीय पहल देखने के लिए मिली है, खुदेड़ गीतों का शुभारंभ यहां पर देखने के लिए मिला है और यहां पर प्रतियोगिता भी रखी गई है। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेंगे उनके लिए तमाम इनाम भी रखे गए हैं। देखिए, ये हमने पिछले साल भी एक प्रयोग किया था कि मांगल गीतों को पुनर्जीवित करने के लिए, लेकिन उसके बाद तुरंत कोरोना की लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, तो हमारे काम और हमारी गति रुक गई। तो इस बार हम 18 जगहों पर केदारनाथ विधानसभा के 18 जो क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों में आज कल और परसों 26, 27 और 28 को और उसके 24, 25 और 26 और 27, 28 तक के भी जब तक के होगा इन अपने 160 के गांवों को अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोग महिलाएं जुड़ रहेंगी और इसमें 2 कार्यक्रम हम करा रहे हैं, 2 प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, एक तो महिला मांगल गीत का और दूसरा खुदेड़ गीत का। हम ये चाहते हैं कि ये गीत पुनर्जीवित हों, ये विधा जो हमारे क्षेत्र की केदार क्षेत्र की बहुत ही प्रसिद्ध विधा थी, दोनों विधाओं में बहुत अच्छा गायन होता था, मांगल में भी और खुदेड़ में भी, इसको जीवित करने के लिए इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। सहारनपुर की क्राइम ब्रांच और कोतवाली मंडी पुलिस ने हत्या के आरोपी शहरवाज उर्फ जनरल को 26 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक से गिरफ्तार किया।
आरोपी जनरल को पुलिस ने 1991 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। 4 साल तक वो जेल में बंद रहा, लेकिन हाईकोर्ट से पेरोल पर जेल से बाहर आकर फरार हो गया। आरोपी अनंतनाग में रेहड़ी पर जुराब बेचकर गुजारा कर रहा था। सहारनपुर का पूरा मामला, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 1995 से चल रहे फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आज एक 25 साल से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार करने में मंडी पुलिस को और हमारी एसओजी टीम को सफलता मिली है। इस अभियुक्त का नाम है शाहनवाज उर्फ जनरल, जो कुतुब से थाना क्षेत्र का रहने वाला था। 1991 में इसने एक मर्डर की घटना की थी मंडी थाना क्षेत्र में। इसके बाद इसको यहाँ से आजीवन कारावास हो गया था, जिसके बाद इसने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी, वहाँ से जमानत पर आया था और जमानत के बाद ही वो फरार हो गया। और जब इसको फिर तलब किया गया तो कभी भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ, तो फिर माननीय न्यायालय द्वारा इसके गिरफ्तारी के लिए NBW जारी किया गया। तब से लगातार प्रयास किया जा रहा था, समाचार पत्रों में लेके सारी चीज़ों में इसके कॉल डिटेल को लेके इसके रिश्तेदारों से बातचीत कर की जा रही थी, लेकिन इसका कोई भी ठिकाना पुलिस को अभी तक नहीं मिल पा रहा था। लगातार प्रयास के बाद पता लगा कि ये जम्मू कश्मीर में कहीं मोजे बेचने का काम कर रहा है। यहाँ से हमारी टीम गई थी और इसको कल करीब 4:30 बजे लाल चौक से थाना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट उतार करके अभी हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे ले आई है। भाजपा के सम्मेलन में पहुंचे यूपी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बुद्धिहीन बताया। उन्होंने कहा कि बुद्धिहीनता से सपा की दुर्गति हुई है। अखिलेश यादव का जिन्ना आदर्श है, सरदार पटेल वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं। प्रियंका गांधी और उनकी माँ राम को नहीं मानती, वो लड़की है, लड़े, उन्हें रोक कौन रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का वृद्ध सम्मेलन संभल के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझको यहाँ कार्यकर्ताओं के विषय बातचीत करने के लिए यहाँ पर भेजा है। आज जिस प्रकार का विषय पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और चुनाव बहुत नज़दीक है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से सबके कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, सबको कुशल देने का काम किया है, सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, उन्हें बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी वर्ग भेद के हिंदू को, मुस्लिम को, गरीबों को और उद्यमियों को भी कुछ ना कुछ देने का काम किया है। बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अध्यापक तरह तरह के कार्यक्रम विद्यालय में करते रहते हैं, तो वहीं सिद्धार्थनगर के तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज बांसी में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और पूर्व सांसद ने शिरकत की। इस विद्यालय पर बच्चों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए 1965 से वार्षिक उत्सव किया जा रहा है, तो वहीं इस साल भी वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कोरोना काल में वार्षिकोत्सव बाधित रहा, लेकिन तिलक इंटरमीडिएट कॉलेज की बहुत पुरानी परंपरा वार्षिकोत्सव है। वार्षिकोत्सव के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं के अंदर जो नैसर्गिक क्षमता होती है उसका विकास होता है, और ये हमेशा से नई शिक्षा नीति में भी इस बात का प्रावधान है और हमारे यहाँ पुराने गुरुकुल के समय से व्यवस्था है कि जो जितने भी शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका सभी प्रकार से विकास हो, यानी संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। बच्चों के लिए मैंने आज तिलक इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव है और इसमें प्रबंधक और प्रधानाचार्य के द्वारा हमको आमंत्रित किया गया था, मैं इसमें शरीक भी हुआ। बच्चों का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भी 2-3 मैंने देखा और अभिवादन में मैंने बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंता करते हुए उनको बताया भी क्या क्या योजनाएँ हमारे बीच में हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना मजबूत रह सकते हैं, सशक्त रह सकते हैं। सरकार के भी कुछ कार्यक्रम के बारे में मैंने जिक्र किया और भी मैंने थोड़ा सा उनको जानकारी दिया। सुल्तानपुर में पदोन्नति के चक्कर में दो विभागों के बीच फंसे जल निगम कर्मचारियों ने जिन को उनके कार्यालय में ही बंधक बना लिया। इसी के साथ ही गेट पर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं इस दौरान कर्मचारियों ने खुद को भुखमरी के कगार पर पहुंचने की जानकारी देते हुए बच्चों की शिक्षा बंद होने की भी बात कही है। सुल्तानपुर का एक पूरा मामला है, जहां पर भुखमरी कगार पर कर्मचारी बताए जा रहे हैं जैन को बंधक बनाया है। उनका कहना है कि उनका हंगामा यूं ही जारी रहेगा क्योंकि उनके काम की वजह से उसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब 1238 का मामला आया है, जिसमें बॉडी शॉपिंग के अंतर्गत जो है ये हमारे 44 कर्मचारियों को नगर पालिका सुल्तानपुर, अयोध्या और बनारस तीनों जगह जो है भेज दिया गया। ना नगर पालिका सुल्तानपुर हमको लेने को तैयार है, ना अयोध्या में काम मिल रहा है,
ना हमको जो है बनारस में कोई काम मिला, और बार बार हम जाते हैं, बार बार जो है मुझे वापस किया था, जल निगम मुझे जो है यहाँ ज्वाइन नहीं करा रहा है। इन सब 44 लोगों के बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इनका भरण पोषण कहाँ से होगा? 35 साल से और 57-58 साल 59 साल किसी का ना बाकी है, रिटायरमेंट के करीब हैं। हमको सारी पारिवारिक जिम्मेदारी है, हम लोग दवा से पीड़ित हैं, बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। शासन की ये मंशा थी कि इन लोगों को यहाँ से हटा करके अन्य विभागों में समायोजित करके जैसे नगर पालिका में कर दिया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे खबरों का। आजमगढ़ के कंधारपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर अनियंत्रित कार और ट्रैक्टर के भीषण टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद कार आग का गोला बन गई, जिसके चलते कार में सवार महिला समेत 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी हुई है। तो मेरी बोलेरो गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी के आगे बेलेरो गाड़ी चल रही थी, हमको ओवरटेक करके निकली थी और तकरीबन उसकी 80-90 की स्पीड रही होगी और वो जा करके टाली से लड़ गई है। टाली से लड़ने के बाद मैंने अपनी गाड़ी रोकी, हमारे साथ हमारे साथी थे, दोनों ने पास हाथ उठा के पीछा खोलने की कोशिश करी, जो कि हम लोग पूरा मतलब जब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, पुलिस को सूचना दी, दमकल वालों को फ़ोन किया। 10 मिनट बाद पुलिस वाले आए हैं और पुलिस वाले आकर के अपना देखे हैं गाड़ी को, उसमें लगभग हिसाब से 2-3 आदमी मौजूद रहे होंगे गाड़ी के अंदर। योगी सरकार के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने AIIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को चुनौती देने का जो दुस्साहस किया है, मैं आगाह करना चाहता हूँ कि इस देश में योगी और मोदी का ही राज रहेगा। तो ओवैसी पर मंत्री का हमला देखने के लिए मिला है, देश में योगी और मोदी का राज रहेगा, ऐसा आनंद स्वरूप कहते हुए नजर आए। डरपोकों की औलाद असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा हिंदुओं को चुनौती देने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, मैं आगाह करना चाहता हूं कि इस देश में योगी और मोदी का ही राज रहेगा, अब तुम्हारे मुगलों का राज नहीं आने वाला है, और तुम भी हिंदुओं की औलाद हो। हमें अफसोस है कि डरपोक हिंदुओं की औलाद हो, जो मुगलों की तलवार के डर से मुसलमान बन गए, जो जजिया कर न देश लालच में मुसलमान बन गए, जो भाइयों का हिस्सा हड़प ले इस लालच में मुसलमान बन गए। हम हिंदू उन बहादुर हिंदुओं की औलादे हैं जो मुगलों के तलवारों से नहीं डरे, जिन्होंने जजिया कर भी दिया, अनेक प्रताड़नाएं भी सहे, लेकिन हिंदुत्व को नहीं त्यागा। चुनौती देने का दुस्साहस नहीं करो, कब्र से तुम्हारे अब्बा जान भी निकल के आ जाएंगे, फिर भी मुगलों का राज नहीं आने वाला है, मोदी और योगी का ही राज बना रहेगा और हिंदू और हिंदुत्व की जय जयकार होती रहेगी। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। वहीं इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण छावनी थाना के SSI श्याम मोहन त्रिपाठी बाल बाल बच गए। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज 25 दिसंबर की प्रातःकाल छावनी पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए मुठभेड़ के दौरान 2 असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक असलाह तस्कर प्रद्युमन चौहान के पैर में गोली लगी और उसके फायरिंग में हमारे SSI छावनी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी, जो अभी खतरे से बाहर हैं। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, करामत अली और प्रद्युमन चौहान। प्रद्युमन चौहान का इलाज सदर अस्पताल में हो रहा है, जहाँ वो खतरे से बाहर हैं। इन दोनों अभियुक्तों से 3 अवैध असलहे बरामद हुए हैं, एक 32 बोर की पिस्टल है और 2 हैं, जिसमें एक 312 बोर का, एक 315 बोर का है। आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मना रहा है। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री होने के अलावा हिंदी कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने अटल जी को याद करते हुए ट्वीट कर कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन, हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसी के साथ राष्ट्रपति और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया, नमन किया।
69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मेहनत रंग लाई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 23,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश त्रिवेदी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक विसंगति से प्रभावित लगभग 6,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा खाली पदों पर भी भर्ती होगी। इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री ने आदेश भी जारी कर दिया है। लखनऊ में राज्य कर्मचारियों की तरफ से नियमित वेतन सहित कई मांगों को लेकर धरना दिया गया। इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट आवास का घेराव किया गया। वहीं इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों के धरने से ट्रैफिक व्यवस्था का भी बुरा हाल रहा।